नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। साथियों, इस देश में रामलीला का मंचन कई सदियों से चला आ रहा है और इस समय हम मौजूद हैं नौगमा ठग्गू खटीमा में, जहां की रामलीला इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इतनी ज़्यादा पुरानी है कि यहां से लोग प्रेरणा लेकर कहीं और जाकर रामलीला मंचन करते हैं। मेरे साथ, मेरे पीछे इस मंचन के कलाकार मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे आखिर ये रामलीला के बारे में और उनके अभिनय के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं परिचय करा दूं, जो रामलीला एक हमारा जो ग्रंथ है उसके जो मुख्य किरदार हैं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप राम की भूमिका निभाते हैं और माता सीता की भूमिका आप निभाते हैं और लक्ष्मण जी, बाकी और भी कलाकार हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन कुछ सवालात हम लेते हैं श्री राम जी से। सर, आप ये जो मंचन कर रहे हैं, आप ये अभिनय कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारा रामलीला काफ़ी समय से हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, यहाँ के मतलब बुजुर्ग लोग यहाँ से रामलीला करते करते बेचारे स्वर्ग लोक को पहुँच गए, लेकिन हम बच्चों को मतलब ये लीला सिखा के गए हैं, तब उन्हीं की याद पर ये धर्म का काम कर रहे हैं। आप कितने सालों से ये मंचन कर रहे हैं, श्री राम का किरदार निभा रहे हैं? मैं खुद, हाँ, मैं तो इसी बार आया हूँ इस बार। अच्छा, हाँ। तो एक कोई डायलॉग आप सुनाएं और प्रसंग के साथ, मतलब किस प्रसंग के दौरान वो डायलॉग आप कह रहे हैं? मैं जैसे कि परशुराम ये संवाद है, उसी के उपलक्ष्य में मैं परशुराम जी से चौपाई कहना चाह रहा हूँ। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा, आयुष का कहिए किन मोही, अंगीकार करो मैं सोई। आपका नाम? मुकेश सिंह राणा। मुकेश सिंह राणा भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं और अब हम बढ़ते हैं माता सीता का किरदार। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है नकुल सोनकर। नकुल जी, ये बताइए, आप माता सीता का किरदार कब से निभा रहे हैं? मुझे माता सीता का किरदार निभाने का सौभाग्य मिला है और मुझे आज ये 9वां साल है मेरा जो मैं माता सीता का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा, आप कोई एक डायलॉग और प्रसंग के साथ, किस प्रसंग में वो कह रहे हैं आप? मैं ये डायलॉग जब वाटिका में भगवान राम और सीता माता एक दूसरे को मिलते हैं, तब वहाँ पे एक चौपाई है, वही सुनाने जा रहा हूँ। सुनहु सखी बे दो की सोरा, कहाँ गए मेरे मन चित चोरा, श्यामल रूप बस्यूं मन माही, बिनु देखे मम जीवन नाही। अब हम बढ़ते हैं लक्ष्मण जी का किरदार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष सिंह राणा है। मनीष जी, सबसे पहले तो कोई एक डायलॉग हमें सुनाइए, किस प्रसंग के साथ आप वो कह रहे हैं? मैं जब सीता जी का हरण हो जाता है तो अपने भाई से कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। अच्छा, आप कितने सालों से ये लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं? मेरा ये फर्स्ट साल है। पहला साल है जी। और भी हमारे साथ इस मंचन के कलाकार हैं, उनसे हम जान लेते हैं आप किसका किरदार निभा रहे हैं और आप अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम चंदन सिंह राणा है। मैं सीता अनसुईया का रोल निभाता हूँ, माता अनसुईया का, और जिसमें माता अनसुईया सीता को उपदेश देती है, जिसमें माता सीता उपदेश देती है, उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहूँ समझाए,
आगे सुनिए भक्त ही सुनाओ सिए चित लाए। इसमें अनसुईया माता सीता को उपदेश देती है। अच्छा, आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? हम मंदोदरी का किरदार निभाते हैं। और कितने सालों से? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल जी। अच्छा, आप कोई अपना डायलॉग जी। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भू प्रभु, मेरी आंखों में घूम रहा अब महाप्रलय का रूप प्रभु। हनुमत जो जिनके पायक हैं वो कैसे मारे जाएंगे, तुम लड़के जिन्हें समझते हो वो लड़के तुम्हें हराएंगे। आप देखिए कितने मजे हुए कलाकार हैं और कई बरसों से ये मंचन करते आ रहे हैं और उसका असर भी आप देख रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है और आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? नारायण सिंह। अच्छा, तारा का पाठ करते हैं। तारा का जी। जी, आप कोई डायलॉग अपना? इस समय न जाओ रण करने, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। अच्छा, और भी हमारे साथ जो इस मंच के और जो इस रामलीला के अहम किरदार हैं वो भी जी, आपका क्या भूमिका है रामलीला में, इस मंच में? इस मंच में मेरी भूमिका ये है कि जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं उन सबके मेरे निर्देशों के द्वारा ही ये मंचन किया जाता है। अच्छा, तो आप ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं 1985 से रामलीला खेल रहा हूँ। कंटिन्यू आज तक खेलता आया हूँ। और ये किताब जो हाथ मेरे हाथ में आई है वो कम से कम 15 साल हो गए लगभग। अच्छा, ये एक तरह से प्लॉट है सारे किरदारों की, एक तरह से इसमें संवाद भी है और उनकी क्या क्या भूमिका है, यही है ना? जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो रामलीला है आपकी कितने वर्ष पुरानी है और इसका शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत के बारे में तो मुझे पता नहीं खास। अच्छा, लेकिन ये हमारे जमाने से पहले से ही, हम पैदा नहीं हुए थे तब से ये रामलीला हो रही है। तो ये नौगमा ठग्गू की रामलीला है, ऐसा बताया जाता है कि 66 साल से यानी 60 सालों से अधिक समय से ये चली आ रही है और काफ़ी प्रसिद्ध एक तरह से रामलीला है। कितने वर्षों से यहाँ पर जो मंचन कर रहे हैं कलाकार हैं आप देख रहे हैं, कोई 9 वर्ष से है, कोई 10 वर्ष से है और कोई हाल ही में ये सब करते हैं। एक चीज़ बताइए, जब अचानक से आपातकाल स्थिति में कोई कलाकार नहीं आ पाता है तो उस अवस्था में आप क्या करते हैं? उस अवस्था में हम लोग इन्हीं कलाकारों में से उनको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं जी, यानी एक तरह से बैकअप प्लान भी आपका रहता है। जी हाँ। तो ये देखिए कि किस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है और भगवान श्री राम का एक तरह से किरदार जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, उनका जीवन अपने आप में प्रेरणादायी है। और आखिरी मैं सवाल इनसे करता हूँ कि जैसा कि भगवान श्री राम का किरदार ही पूरा एक तरह से प्रेरणादायक है, लेकिन आप उनकी एक चीज़ जो उनसे हम सबको सीख लेनी चाहिए वो बताएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो अपने वचनों को पूरा करते थे और माता पिता के वचनों के आज्ञाकारी थे, जो माता पिता कहते थे वही करते थे क्योंकि वह वचनबद्ध थे, जो वचन देते थे उसे पूर्ण किया करते थे। तो प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसी एक चौपाई है और वो चौपाई भगवान श्री राम पर ही आधारित है। एक और कलाकार हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और आप कौन सा किरदार निभाते हैं? जी, मैं केके का रोल निभाता हूं और मेरा नाम प्रमोद सिंह राणा है। और केके का कोई संवाद आप सुनाना चाहें? केके का कम्बा सुनाता हूँ आपको संवाद। जब केके को भवन में बैठी होती है तो मंथरा आती है केके के पास, बड़ी रोती बिलखती हुई, तभी जो है केके उसे कहती है, चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, जो सोच रुई की डेरी से बन कर आई चिंगारी है। तो ये है नौगमा ठग्गू की रामलीला और हम नौगमा ठग्गू में मौजूद हैं यहाँ पर, और जो भी दर्शक हैं वो आइए इस रामलीला को देखिए, इन कलाकारों के मंचन को देखिए। साथ ही ये जो रामलीला है एक तरह से जो हम देखते हैं कि
सामान्य रामलीला जो होती है जो शारदीय नवरात्रि में एक तरह से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो रामलीला है ये अभी इस समय चल रही है और यही इनके कलाकार यहीं के हैं, सभी ग्रामीण हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। और देखते रहिए आप आर न्यूज़।